वीर गाथा में आज बात महान स्वतंत्रता सेनानी राजकुमारी अमृत कौर की। भारत की एक प्रख्यात गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो देश की स्वतंत्रता के बाद भारतीय मंत्रिमंडल में 10 साल तक स्वास्थ्य मंत्री रहीं। देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री होने का सम्मान उन्हें प्राप्त है। वे सन 1957 से 1964 में अपने निधन तक राज्यसभा की सदस्य भी रही थी। गांधी जी के नेतृत्व में सन 1930 में जब दांडी मार्च की शुरुआत हुई, तब राजकुमारी अमृत कौर ने उनके साथ यात्रा की और जेल की सजा भी काटी। वर्ष 1934 से वो गांधी जी के आश्रम में ही निवास कर आंदोलन में भागीदारी करने लगी। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी जेल हुई। देश के कल्याण के लिए राजकुमारी अमृत कौर ने कई कल्याणकारी कार्य किए। 2 अक्टूबर 1964 को राजकुमारी अमृत कौर दुनिया को अलविदा कह गईं। देश की ऐसी महान क्रांतिकारी को हमारा शत शत नमन।